नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दरअसल हाल ही में एक बड़ी खबर से जहां पे हमने आपको रूबरू करवा दिया है कि सत्येंद्र जैन की तबीयत फिर से खराब हो गई है और कहीं ना कहीं उन्हें दोबारा से भर्ती करा दिया गया है। तो अब ऐसे में मानो लग रहा है कि केजरीवाल का एक बड़ा बयान सामने आ रहा है जहां पर सत्येंद्र जैन की तबीयत खराब होने के बाद वो टेंशन को जाहिर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भले इंसान को एक तानाशाही मारने पर तुला हुआ है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी पर साफ तौर पर तंज कस दिया है, जहां पर सत्येंद्र जैन की तबीयत खराब बताई जा रही है। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है और एक बार ही उनकी छुट्टी अस्पताल से हो गई थी सफदरजंग से, और उसके बाद जो है दोबारा से सत्येंद्र जैन की आज ही तबीयत खराब हुई है और उन्हें जो है फौरन ही एडमिट भी करा दिया गया है। तो इसे लेकर अरविंद केजरीवाल अब तमाम बातों का जिक्र करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने जो है नरेंद्र मोदी को लेकर तमाम बातें भी की हैं। जरा सा आपको बता देते हैं कि उनका कहना है कि आज उस भले इंसान को एक तानाशाह मारने पर तुला हुआ है। उस तानाशाह की एक ही सोच है, सबको खत्म कर देने की, और वो सिर्फ मैं में ही जीता है। वो सिर्फ खुद को ही देखना चाहता है। भगवान सब देख रहे हैं, वो सबके साथ न्याय करेंगे। ईश्वर से सत्येंद्र जैन के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। यानी कि कहीं ना कहीं केजरीवाल घबरा गए हैं सत्येंद्र जैन की तबीयत को दोबारा खराब देखते हुए। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक। धन्यवाद।